नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त वरुण कुमार घोष आपका अपने वीडियो में स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है, लखनऊ सुपर जायंट्स वर्सेस पंजाब किंग्स के बीच में कल मैच खेला जा रहा था, जो कि लखनऊ सुपर जायंट्स ने 21 रन से जीत लिया और लखनऊ सुपर जायंट्स ने इस सीजन का अपना पहला मैच जीता। और लखनऊ सुपर जायंट्स ने जो है टॉस जीत के बैटिंग का फैसला किया था, जो कि फैसला जो है उनकी टीम प्लेयर्स ने जितने भी है उन्होंने बेहतरीन साबित किया। और कल लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से आपके केएल राहुल मतलब कैप्टनसी नहीं कर रहे थे, आपके जो है निकोलस पूरन कैप्टनसी कर रहे थे। और अगर बात करें लखनऊ सुपर जायंट्स की, तो उन्होंने जो है पहले बैटिंग करते हुए 199 रन बनाए, जो कि मतलब लखनऊ जैसा जो बड़ा मैदान है उसके लिए काफ़ी रन था। और अगर बात करें इस मैच में, अगर इनके टॉप स्कोरर की बात करें तो वो रहे आपके क्विंटन डिकॉक, जिन्होंने 54 रन बनाए 38 बॉलों में, जिसमें उन्होंने 5 चौके और 2 छक्के लगाए। फिर उसके बाद रहे आपके कृणाल पांडे, जिन्होंने लास्ट में आके जो है हार्ड हिटिंग करके उन्होंने 22 बॉल्स में 43 रन मारे, जिसमें उन्होंने 4 चौके और 2 छक्के मारे। और तीसरे नंबर पर रहे आपके निकोलस पूरन की बात करें तो निकोलस पूरन ने भी बहुत बेहतरीन मतलब बैटिंग करी, जिन्होंने 42 रन बनाए 21 बॉलों पे, इसमें उन्होंने 3 छक्के और 3 चौके मारे। अगर इनकी स्ट्राइक रेट की बात करें तो 200 का स्ट्राइक रेट रहा। और इनकी अगर बात की जाए तो इनके मतलब जो कैप्टनसी इनिंग्स खेली इन्होंने बहुत बेहतरीन इनिंग्स खेली है। और अगर बात करें इनके फॉल ऑफ विकेट्स की बात करें तो पहला विकेट जो है केएल राहुल आउट हो गए आपके, जब इनका 3.5 ओवर्स में मतलब 35 रन था तब आपके केएल राहुल आउट हुए। फिर उसके बाद दूसरा विकेट जल्द ही गिर गया, उसमें आपके देवदूत पार्डिकल आउट हो गए 5.4 ओवर्स में, जिन्होंने आते ही 2 चौके बड़े बेहतरीन मारे बट वो आउट हो गए। फिर मार्कस टोनिस से मतलब लग रहा था कि मार्कस टोनिस कुछ अच्छा करेंगे आज, और मार्कस टोनिस खेल भी अच्छा रहे थे क्योंकि उन्होंने 19 रन 12 बॉलों पे मारे, जिसमें उन्होंने 2 छक्के मारे और जिसमें वो आपके दीपक चहर के पीछे पड़ गए थे। और दीपक के चहर के ओवर में ही उन्होंने 2 छक्के मारे और उसी ओवर में वो दीपक चहर को वो बोल्ड आउट हो गए। तीसरा विकेट आपका मार्कस टोनिस के रूप में गिरा। और चौथा जो है क्विंटन डिकॉक 50 बना के बहुत बेहतरीन खेल रहे थे, बट जैसे ही क्विंटन डिकॉक ने 50 मारी उसके बाद जो है क्विंटन डिकॉक को है आपके जो बॉलर है अर्शदीप सिंह ने जितेंद्र शर्मा के हाथों कैच कराया और वो 54 रन की बेहतरीन पारी खेल के आउट हो गए। तो चौथा विकेट आपका क्विंटन डिकॉक के रूप में गिरा। पांचवा जो है निकोलस पूरन बहुत बेहतरीन दिख रहे थे कि लग रहा था कि 200 प्लस स्कोर जाएगा बट वो एंड टाइम पे आउट हो गए। फिर उसके बाद आपके छठा जो आयुष बदोनी वो आउट हुए, फिर रवि बिश्नोई आए और गए, फिर मोहसिन खान। और रवि बिश्नोई या फिर आयुष बदोनी की बात करें तो इन्होंने जो है इनके जो बैट्समैन जो है बेहतरीन बैट्समैन जो आपके कृणाल पांड्या उनका बेहतरीन साथ दिया, और जिसकी मदद से इन्होंने आपके मतलब 199 रन का स्कोर किया। और अगर बात करें मतलब इस पंजाब किंग्स की बॉलिंग की, तो उनकी तरफ से जो है आपके जो सैम करन है उन्होंने 4 ओवर में 28 रन देके 3 विकेट लिए। अर्शदीप सिंह ने भी 3 ओवर में 30 रन देके 2 विकेट लिए। उसके बाद आपके कगिसो रवाडा में 4 ओवर में 38 रन देके 1 विकेट लिए। राहुल चहर ने जरूर आपका जो राहुल चहर है उन्होंने जो है मतलब मार्कस टोनिस जो खतरनाक दिखे थे उनको आउट किया 4 ओवर में 42 मतलब राहुल चहर ने जो है 3 ओवर में 42 रन देके 1 विकेट लिया। हरप्रीत बरार जो है उन्होंने भी बेहतरीन बॉलिंग करी, और हर्षल पटेल ने थोड़े महंगे साबित हुए कल 4 ओवर में 45 रन उन्होंने खाए। और अगर बात करें आप PKBS पंजाब किंग्स की, तो पंजाब किंग्स जो है हमेशा चेज में ऑन थी। पंजाब किंग्स की बात करें तो उन्होंने 11.1 ओवर्स में जो है 100 रन बना लिए थे, और उनका पहला विकेट भी जो है जॉनी वेस्टो के रूप में 11.4 ओवर्स में गिरा। अगर जॉनी वेस्टो की बात करें तो आउट होने से पहले उन्होंने 42 रन की पारी खेल ली थी 29 बॉलों पर, और उसमें उनके 3 छक्के और 3 चौके थे। और उसके बाद आपके प्रभ सिमरन सिंह आए, जिन्होंने 19 रन मारे 7 बॉलों पे, जिसमें उन्होंने बेहतरीन हिटिंग करी 1 चौका और 2 छक्के मारे। उसके बाद जितेश शर्मा आए, लियम लिविंगस्टन आए, सैम करन आए, बट कोई भी प्लेयर जो है मतलब अपना छाप छोड़ नहीं पाया। एक समय जो है मतलब पंजाब किंग्स का स्कोर जो है 11.4 ओवर्स में 102 रन था। और अब अगर बात करें उसके बाद जो है आपके मतलब दूसरा विकेट उनका प्रभ सिमरन कौर के रूप में 13.3 ओवर्स में गिरा, और लास्ट के जो 4 ओवर में उनको 60 के प्लस के आसपास का स्कोर चाहिए था। आपका एक साइड आपके लियम लिविंगस्टन थे और दूसरे साइड आपके बैटिंग कर रहे थे जितेश शर्मा वगैरह, जो कि कुछ इतना खास नहीं कर पाए। लियम लिविंगस्टन की बात करें तो वो कल चोटिल हो गए थे, बट उन्होंने लास्ट ओवर में जो है ठीक ठाक हिटिंग करी, जिसमें उन्होंने 28 रन मारे 17 बॉलों पे, 2 बॉलों मतलब 2 चौके और 2 छक्कों की मदद से। फिर सैम करन आए पहली बॉल पे ही मतलब मोहसिन खान को आउट हो गए। इसमें अगर बात करें हम एक आपके जो दो प्लेयर ने डेब्यू किया था आपके, एक तो आपके जो
एम सिद्धार्थ और मतलब एम सिद्धार्थ और आपके दूसरे जो है मयंक यादव। मयंक यादव की बात करें तो मयंक यादव बहुत बेहतरीन बॉलिंग कराए। इनकी बॉलिंग्स की बात की जाए तो इन्होंने जो है अपने पूरे स्पेल में जो है आईपीएल का अभी तक का सबसे फास्ट बॉल जो है 155.8 की स्पीड से डाला, जिसकी मदद से जो है इन्होंने जो आई मतलब इन्होंने बेहतरीन बॉलिंग कराई। और इनकी जो मतलब चार स्पेल की बात करें तो इन्होंने जो है अपने स्पेल में जो है 4 ओवर में 27 रन देके इंडियन टीम के लिए भी जरूरी और इंडियन की जो आपकी फ्रेंचाइजी क्रिकेट वगैरह है या लखनऊ सुपर जायंट्स को जो है वो बेहतरीन खोज मिले। और आपका पता ही है मयंक जो यादव की बातचीत पहले भी चल रही थी कि मयंक यादव जो है बेहतरीन बॉलर है, पेस बॉलिंग करते हैं और उन्होंने कल ये ऐसा करके भी दिखाया। और उन्होंने शायद 150+ की 8 बॉल डाली कल और जो है 9 उन्होंने जो है 145+ की स्पीड से डाला। तो एक नया सेंस स्पीड स्टार मिल चुका है इंडिया को मयंक यादव। तो इनको जो है बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करना होगा और इनकी सर्विसेज को यूज़ करना होगा। और दोबारा जो है पंजाब किंग्स की एक समय जो लग रही थी ये मैच जो है बड़े ही आसानी से जीत जाएगी, वो मैच जो है पंजाब किंग्स के सुपरस्टार प्लेयर, चाहे आप बात करें लियाम लिविंगस्टन की बात करें, सैम करन की बात करें, आपके जो जितेश शर्मा की बात करें, तो ये सब फेल रहे। हाँ, आप लियाम लिविंगस्टन को ब्लेम नहीं कर सकते क्योंकि वो चोटिल हो गए थे, बट उन्होंने लास्ट ओवर में ट्राई किया तो लास्ट ओवर में शायद 40 रन के आसपास चाहिए था, तो बहुत देर हो चुकी थी। बट पंजाब किंग्स को समझना पड़ेगा कि इनके साथ हर बार ऐसा क्यों होता है। आप तीन टीमों को बात करें, चाहे आप दिल्ली कैपिटल की बात करें, चाहे पंजाब किंग्स की बात करें, चाहे आप बात करें आरसीबी की, ये तीनों टीमें जो है मतलब इनके पास सुपरस्टार प्लेयर होते हुए भी ये लोग मैच हार जाते हैं। तो इनको जो है रीथिंक करना पड़ेगा कि इनके जो है टीम मैनेजमेंट में क्या कमी है, या मतलब यूनाइट एक साथ यूनाइटेड होके मतलब सोचना पड़ेगा कि इनकी टीम जो है इतना अच्छा क्यों नहीं कर पाती। और यही तीन टीमें जो है अभी तक आईपीएल का खिताब नहीं जीत चुकी है, 16 सीजन हो चुके हैं, सब टीमें जीत चुकी है, पर आपकी दिल्ली, पंजाब और आरसीबी की टीम अब तक खिताब नहीं जीती है। तो देखते हैं मतलब पंजाब किंग्स की टीम जो है क्या मतलब सोचती है और क्या डिसीजन वगैरह लेती है इस जो हार के, मतलब ये हार इनको मतलब इतना बेहतरीन हारते नहीं ये मैच। इस मैच में बात करें तो इनके जो कैप्टन है उन्होंने 70 रन मारे 50 बॉलों पे। हाँ, थोड़ी सी स्लो पा रही है, बट जो है आपके 7 चौके मारे जिसमें उन्होंने 3 छक्के मारे। तो पंजाब किंग्स की टीम को रीथिंक करना पड़ेगा कि उन्होंने क्या गलती करी मैच में और जो नेक्स्ट मैच है उसमें ये गलती ना करें। और लखनऊ सुपर जायंट्स की बात करें तो लखनऊ सुपर जायंट्स ने बहुत बेहतरीन खेल दिखाया और उन्होंने जो है ये मैच 21 रन से जीता। केएल राहुल कल कैप्टनसी नहीं कर रहे थे, बट निकोलस पुरन ने बहुत बेहतरीन यूज़ किया और उनके बॉलर्स जितने भी थे, चाहे आप बात करें एम सिद्धार्थ की बात करें, नवीन उलहक की बात करें, मोहसिन खान की बात करें, कुणाल पांड्या की बात करें, मयंक यादव की बात करें, चाहे रवि बिश्नोई की, तो इनको बेहतरीन तरीके से यूज किया। और अगर इनके मतलब ये इनके जो अगर बात करें हम मतलब स्टैट्स की, तो एम सिद्धार्थ ने 2 ओवर में 21 रन दिए, आपके नवीन उलहक ने 4 ओवर में 43 रन दिए, थोड़े महंगे जरूर है, मोहसिन खान ने 4 ओवर में 34 रन दिए, कुणाल पांड्या ने 3 ओवर में 26 रन दिए और रवि बिश्नोई ने 3 ओवर में 25 रन दिए, मोहसिन खान ने भी 4 ओवर में 34 रन देकर 2 विकेट लिए और मयंक यादव ने भी 4 ओवर में 27 रन देखे मतलब 3 विकेट लिए। और अगर आप बात करें मतलब बेहतरीन रहा मैच और मैच जो है ऐसे ही होने की उम्मीद थी। और आपसे मिलते हैं आज जो है आपके 2 मैचेस है, एक मैच तो आपका डीसी वर्सेस सीएसके है जो कि शाम को, और पहला मैच आपका जीटी वर्सेस आपका एसआरएच के बीच में। दोनों ही बेहतरीन मैच है और दोनों ही टीम बेहतरीन खेल रही है, चाहे एसआरएच की बात करें, चाहे जीटी की बात करें, चाहे आप सीएस की बात करें। बट दिल्ली कैपिटल्स को देखना पड़ेगा, अगर उनको जीतना है सीएसके जैसी मजबूत टीम से तो उनको बहुत बेहतरीन खेल दिखाना होगा आज। और मिलते हैं आपको मैचेस वगैरह ख़त्म होने के बाद।